और ज़ेलेंस्की को लेकर विवाद के बीच अब कादिरफ ने एक बड़ी साजिश की तैयारी कर ली है। कादिरफ अब अपना चेहरा बदलना चाहता है और इसके लिए उसने एक बड़ा कदम उठाया है। कादिरफ अगर इसमें कामयाब हो गया तो समझ लीजिए पुतिन पूरी दुनिया में राज करेंगे। कादिरफ को दुनिया खूंखार कमांडर के तौर पर जानती है। कहते हैं कादिरफ और उसकी फौज जहां जाती है कोहराम मचाती है। मारियोपोल से लेकर डोनेस्क और लुहांस्क में कादिरफ ने ऐसी लड़ाई लड़ी है कि ज़ेलेंस्की की फौज जान बचाकर भागी है। इसलिए कादिरफ बहुत खतरनाक माना जाता है। कादिरफ को युद्ध के मैदान में गिद्ध कहा जाता है, जो अपने दुश्मन को नोच नोच कर खा जाता है। लेकिन अब कादिरफ अपनी इमेज बदलना चाहता है, वो अब अपनी गिद्ध वाली इमेज छोड़ना चाहता है। अगर ऐसा हुआ तो युद्ध लड़ने वाला कादिरफ क्या करेगा? तो जवाब है कि कादिरफ अब कबूतर बनना चाहता है, क्योंकि कादिरफ अब अपनी इमेज एक शांति के दूत की बनाना चाहता है। कुल मिलाकर कादिरफ अपनी इमेज चमकाना चाहता है। इसमें कोई शक नहीं कि कादिरफ पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन अपनी इमेज चमकाने के लिए कादिरफ ने एक बड़ा फैसला किया। उसने खुद को मानवाधिकार और शांति कायम करने वाला नायक साबित किया और खुद को एक मेडल से नवाजा है। कादिरफ को जो मेडल मिला है उसका नाम है मेरिटेड ह्यूमन राइट्स एडवोकेट ऑफ चेचन्या मेडल। चेचन्या में ये मेडल उसे दिया जाता है जो वहां के लोगों की सुरक्षा करता है, चेचन्या के हक के लिए काम करता है। लेकिन मारियोपोल को कब्रिस्तान में बदल देने वाला और लुहांस्क में ज़ेलेंस्की की फौज को सिर्फ अपने खौफ से खदेड़ देने वाला और पुतिन के एक ऑर्डर पर लाशें बिछाने का काम करने वाले कादिरफ के लिए ये मेडल क्या चीज है? वो तो खुद चेचन्या का प्रमुख कहा जाता है। कादिरफ की मर्जी के बिना चेचन्या में पत्ता तक नहीं हिलता। ऐसे में अगर ये कहा जाए कि कादिरफ ने खुद को ही ये मेडल पहनाने का फैसला किया और उसी ने ये मेडल खुद को पहनाया है, तो ये कादिरफ के साथ ज्यादती नहीं होगी। यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है ये कादिरफ की आदत रही है कि वो हर मोर्चे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करा के हीरो बनना चाहता है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि अपने लड़ने के तौर तरीकों की वजह से उसकी इमेज एक खूंखार कमांडर की बनी है और उसकी इमेज ने पुतिन की इमेज को भी नुकसान पहुंचाया। इसलिए कहा जा रहा है कि हाल ही में जब कादिरफ पुतिन से मिला था तो पुतिन ने उसे बातों बातों में सलाह दे डाली कि वो अपनी इमेज ठीक करे। पुतिन जानते हैं कि दुनिया में कादिरफ की इमेज ठीक नहीं है और इस वजह से कादिरफ की सारी क्रूरता के लिए पुतिन को भी जिम्मेदार ठहराया जाता है। इससे पुतिन की इमेज भी डाउन हो जाती है। इसलिए युद्ध में कादिरफ की इमेज की वजह से पुतिन भी पश्चिमी देशों के टारगेट पर रहते हैं, क्योंकि कादिरफ को दुनिया पुतिन का दाहिना हाथ भी मानती है। पुतिन अपनी इसी इमेज से ना सिर्फ परेशान हैं, बल्कि इस बारे में कादिरफ को भी बता चुके हैं। सवाल है कि इस वक्त पुतिन का चेचन कमांडर रमजान कादिरफ कहां है? क्या वो किसी सीक्रेट मिशन पर तैनात कर दिया गया है? वहीं वैगनर चीफ को लेकर रूस में सवाल उठने लगे हैं और उसकी लोकेशन पर पुतिन 24 घंटे नजर रख रहे हैं। कादिरफ ने हाल में पुतिन से एक मीटिंग की। कादिरफ बिना किसी को बताए मॉस्को गया और वहां पुतिन से एक खुफिया मीटिंग की और युद्ध के बारे में कुछ खतरनाक टिप्स भी दिए। Зоны СВО успешно несут службу бойцы Чеченской республики. Мы выполняем все ваши приказы и нацелены действовать до победного конца. Жители региона полностью поддерживают проведение СВО и считают необходимым достижение его цели и задач. इस दौरान कादिरफ का चेहरा कुछ अलग नजर आया, जैसे कादिरफ का चेहरा सूजा हुआ है, लेकिन इसके बारे में कादिरफ ने पुतिन को कुछ नहीं बताया। Как ваши парни?
воюют в зоне СВО. И передайте им самые наилучшие слова. Спасибо им большое. इसमें कोई शक नहीं कि रमजान कादिरफ पुतिन का सबसे भरोसेमंद कमांडर माना जाता है। पुतिन कादिरफ की बातों पर आंख बंद करके यकीन करते हैं। यही वजह है कि कादिरफ के गुनाह पुतिन के गुनाह करार दिए जाते हैं। दरअसल पश्चिम की मीडिया हमेशा ऐसी खबरें तलाशती है जिसमें कादिरफ की क्रूरता बहुत साफ साफ नजर आए। चेचन लड़ाकों का मारियोपोल पर अटैक और वहां यूक्रेन के लोगों की हत्याओं से लेकर यूक्रेन के सैनिकों के दर्दनाक अंत से भरी कई ऐसी रिपोर्ट है जिसे लेकर कादिरफ ने पोलैंड से लेकर अमेरिका तक अपने कई दुश्मन बना लिए हैं। वो एक बहुत ही क्रूर कमांडर माना जाता है। पश्चिमी देश इसे लेकर पुतिन को घेरने का कोई मौका नहीं चूकते। 2007 से चेचन्या की सत्ता संभाल रहे कादिरफ का नाम मानवाधिकार हनन, टॉर्चर, अपहरण और राजनीतिक विरोधियों के मर्डर को लेकर हमेशा बुलंदी पर रहा है। लेकिन दूसरा सच ये भी है कि चेचन्या में उसे 30 राष्ट्रीय सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। रमजान कादिरफ को मेडल पहनने का शौक सोवियत दौर के लीडर लियोनिड ब्रेजनेव को देखकर चढ़ा, जिनके सीने पर मेडल ही मेडल होते थे। आपको ये जानकर हैरानी नहीं होगी कि जिस मानवाधिकार मेडल से कादिरफ ने खुद को नवाजा है, इससे पहले उसकी मां और उसके पिता को भी ये मेडल मरणोपरांत दिया जा चुका है। इसलिए ये तमगा कादिरफ को क्यों नहीं मिले, ऐसा कैसे हो सकता है? लिहाजा कादिरफ ने अब खुद को एक अमन पसंद इंसान बनाने की कोशिश शुरू कर दी है। उसका इरादा दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने की है। वो यूक्रेन युद्ध से अपनी धमक और खौफ पूरी दुनिया में फैला चुका है, लेकिन अब वो गिद्ध की जगह कबूतर बनना चाहता है। लेकिन कादिरफ उन खून के धब्बों को अपनी वर्दी से कैसे मिटा पाएगा जो उसकी फौज के कारनामों की वजह से पुतिन तक पहुंच चुके हैं।